सबसे पहले गाइज आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है, तो यहाँ पे हम सेटिंग्स के अंदर आ जाते हैं और ज़्यादातर गाइज आपको जो फीचर्स देखने को मिलेंगे आपके फ़ोन के तो सेटिंग्स के अंदर ही देखने को मिलते हैं। सेटिंग्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो गाइज आपको फिंगरप्रिंट, फेस एंड पासवर्ड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो हम सिंपल सा ईजिली इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके सामने जो आपका लॉक स्क्रीन पासवर्ड देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद गाइज यहाँ पे आपको ऐड फिंगरप्रिंट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हम सिंपल सा ऐड फिंगरप्रिंट पे क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको बोल रहा है एंटर योर पासवर्ड, तो आपको अपना पासवर्ड पहले इसके अंदर डाल लेना अगर आपने सेट करके रखा है। अगर आपने सेट करके नहीं रखा है तो आपसे यहाँ पे कोई भी पासवर्ड नहीं मांगा जाएगा। तो यहाँ से हम डाल लेते हैं अपना पासवर्ड। ठीक है गाइज, पासवर्ड डालने के बाद ये यहाँ पे आपको बोल रहा है कि अब आप यहाँ से इसके अंदर कैसे सेट कर सकते हैं अपना पासवर्ड। ओके, तो टिप्स दे रहा है, हम इसको ओके कर लेते हैं। आपका जो सेंसर है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस सेंसर पे आपको प्रेस करना है। ठीक है, चलिए इसको गाइज हम यहाँ पे प्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो गाइज मे बी हल्का स्लो बोल सकते हैं हम इसको, बट इतना भी नहीं है। तो ये हो गया, ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ओके, और हमने इसका जो सेटअप है कंप्लीट दे दिया। ओके गाइज, तो इस फिंगरप्रिंट के अंदर हमने अपना कंप्लीट फिंगरप्रिंट ऐड कर दिया। यहाँ से आप इसको डन कर सकते हैं, और आपको मल्टीपल फिंगरप्रिंट ऐड करने तो यहाँ पे एक ऐड अनादर फिंगरप्रिंट ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर भी हम क्लिक कर सकते हैं। तो बट हम यहाँ पे इसको करेंगे डन, क्योंकि हमको एक ही फिंगरप्रिंट ऐड करना है। इसी के साथ ये फेस एनरोल करने के लिए बोल रहा है, तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं क्योंकि फेस अभी इसके अंदर नहीं सेटअप करने वाले। ओके गाइज, तो अब आप यहाँ पे देखोगे क्लियरली आपको फिंगरप्रिंट वन आपका इसके अंदर ऐड हो गया। आप चाहें तो इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, और अगर मल्टीपल फिंगरप्रिंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मल्टीपल फिंगरप्रिंट ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड फिंगरप्रिंट पे आप क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो गाइज ठीक है, यहाँ से हम सिंपल सा यूज़ फिंगरप्रिंट पे क्लिक करके देखते हैं। तो हमारा ये स्क्रीन अनलॉकिंग के लिए यूज़ हो रहा है अभी, और ऐप लॉक और प्राइवेट सेव के लिए भी यूज़ हो सकता है अगर हम इसको यूज़ में लेना चाहें तो। ओके, तो चलिए गाइज यहाँ पे हम सिंपल सा इसको जो आपका लॉक है इसको हम इसके लॉक चेक भी करेंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो फिंगरप्रिंट आइकॉन एनिमेशन पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट के जो आइकॉन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे एनिमेशन। तो यहाँ पे आपको जो भी एनिमेशन अच्छा लगे आप उसको सिलेक्ट करके रख सकते हैं। ओके गाइज, तो मैं इसको रहने देता हूँ क्योंकि मेरे को ये अच्छा लग रहा है। ठीक है गाइज, तो चलिए अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं